गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे सारे शैतान? ऑल इज वेल। बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद हाँ, अभी सेलिब्रेशन करना था हमने न्यू ईयर का, आपने लॉकडाउन करवा दिया। क्यों? सारे इंस्टीट्यूट बंद करवा दिए, कोई बात है? क्यों, ठीक कह रहा हूं ना? यस। क्या क्या सोचा था आप? मस्ती करेंगे, धूम धड़ाका करेंगे, सेंटर्स ही बंद करा दिए। चलो जल्दी खुलेंगे तो हाँ। नहीं, बेटे आपने बंद कराया है जी। तो बेटा ध्यान रखना, हमारी पार्टी ड्यू है, पक्का पार्टी ड्यू है जी, पार्टी ड्यू है। चलिए जी, वॉइस इज नॉट क्लियर। बेटा मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज कंफर्म माय ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर टू यू और नॉट। ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर टू नॉट और नॉट, प्लीज कंफर्म मी बच्चा। क्लियर? हाँ बच्चे, बेटर है, उतर जाएगा ये भी अब 1 वीक में। वैसे वही बात है, सचिन सर राइट हैंड से लेके लेफ्ट से लेके हैंडराइटिंग तो वैसे ही है, पता ही है। क्यों दी? राइट वाली है, लेफ्ट वाली बस डॉक्टर नाम को जस्टिफाई करता। बस बस बस, पंगे नहीं, पंगे नहीं, पंगे नहीं, पंगे नहीं। चलो शुरू करते हैं जी। चलिए शतानो, बेटा सुनिए, आपका इस संडे टेस्ट है मैथमेटिक्स का, नेक्स्ट संडे टेस्ट है इकोनॉमिक्स का, राइट? ठीक है बेटा, इस संडे टेस्ट आपका है मैथमेटिक्स का, और जो नेक्स्ट है 16th, वो टेस्ट आपका इकोनॉमिक्स का। टेस्ट होगा डिमांड चैप्टर का, राइट? डिमांड 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 जी। एक अच्छा काम करूंगा, सुनिए, डिमांड का टेस्ट है, जो हमने डिमांड चैप्टर करा है उसकी टॉपिक वाइज असाइनमेंट आपको मिल जाएगी विद सॉल्यूशन। आपने करनी है, मैं भी करवाऊंगा। जैसे प्रॉब्लम अराइज हो प्लीज व्हाट्सएप मी, चाहे टेक्स्ट मैसेज चाहे वॉइस मैसेज। ओके प्लीज कंफर्म, फिर आज से कहानी शुरू करें। ओके, मुझे मार्क्स चाहिए पूरे 100 में से 100, पूरे 100 में से 100 मार्क्स चाहिए, 1 मार्क भी कम नहीं चाहिए। चैलेंज खुद को दिया है, ठीक है बेटा जी? तो जब तक मुझे 2 दिन लगेंगे सेग्रीगेट करने में असाइनमेंट को, आप लोग क्या करेंगे, आईसीए की बुक के पीछे क्वेश्चंस हैं और हमारी बुक के क्वेश्चंस हैं, वो करना स्टार्ट करेंगे। उसी को मैं सेग्रीगेट करूंगा, कहीं से मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा। ओके, आईसीए की मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चंस, डिमांड, सचिन सर की बुक, एमके गुप्ता इंस्टीट्यूशन, एमके गुप्ता सर की जो बुक है, राइट बेटा जी? मिक्स्ड है तो बेटा उसी, जब चैप्टर पूरा हो गया है, पूरा नहीं हो गया तो उसी को मैं सेग्रीगेट करूंगा। ये लॉ ऑफ डिमांड के हैं, ये ईडी के डिग्रीज के हैं, ये वो फॉर्मूला प्रूव करने के हैं, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन। यस, चलिए जी स्टार्ट करते हैं बेटा। इंट्रोडक्शन टू, कोई बात नहीं बेटा, फर्स्ट क्लास का कोई इशू नहीं होगा। खंडेलवाल जी आइए, ध्रुव भाई, कोई इशू नहीं होगा जी। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। सुनिए बेटा, बेटा क्या होता है, आईसीआई की बुक और हमारी बुक, ये 3 चैप्टर्स को मिला के एक यूनिट बनती है, डिमांड सप्लाई कंज्यूमर। ओके ओके बेटा, डिमांड सप्लाई कंज्यूमर को मिला के एक यूनिट बनती है, चाहे हमारी बुक में देख लीजिए, आईसीए की बुक में देख लीजिए। अभी डिमांड करा है, सप्लाई भी होगा कंज्यूमर भी होगा, क्यों परेशानी वाली बात है? डिमांड फोरकास्टिंग पता है। चलिए बेटा, माइक्रो मैक्रो, 11th का कुछ नहीं आता, चुप रहेंगे।
इलेवंथ का कुछ नहीं आता, चुप रहेंगे बेटा। माइक्रो मैक्रो जी, माइक्रो बना है ग्रीक वर्ड माइक्रोस, मैक्रो बना है ग्रीक वर्ड मैक्रोस। माइक्रो इंग्लिश वर्ड है, किससे बना है? ग्रीक वर्ड मैक्रोस। अभी नोट नहीं बेटा, अभी नोट नहीं, ठीक है बेटा, अभी नोट नहीं। मैक्रो ग्रीक वर्ड मैक्रोस, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड। सुनिए मेरी बात बच्चे, इकोनॉमिक्स वर्ड सुनना, फिर कभी कोर्स में आएगा पूछूंगा। इकोनॉमिक्स वर्ड बना ग्रीक वर्ड ओकियोनोमिया, राइट? पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हमने मार्केट में पढ़ा था इलेवंथ में, मोनोपोली, डियोपोली, ओलिगोपोली, ये भी ग्रीक वर्ड्स हैं। सुनिए बेटा, आप लोग रिप्लाई कैसे देंगे? वाई, यस, एन, नो, आर, रिपीट, प्लीज। तभी रहेगा कि इंटरेक्टिव क्लास है, खुद को पढ़ा के नहीं जाऊंगा, राइट? वाई, यस सर, एन, नो सर, आर, रिपीट सर। जब तक हमारी क्लास चलेगी ऑनलाइन, यही कोडिंग हम यूज करेंगे। क्या करें, वही अटेंटिवनेस रहनी चाहिए जो हम लोग फेस टू फेस में करते हैं, राइट? भाई अभी मजबूरी है, ऑनलाइन अटेंटिवनेस वही रहेगी। शाबाश मेरे चीते जी। तो सचिन सर कह रहे थे माइक्रो ग्रीक वर्ड, मैक्रो ग्रीक वर्ड, इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड, यहां तक कि मैथ्स के सिंबल, साइंस के वर्ड्स, ये सारे ग्रीक है। तो क्या ये सारे पढ़े लिखे लोग ग्रीस में रहते हैं? भाई ये क्या कोइंसिडेंस है, माइक्रो ग्रीक, मैक्रो ग्रीक? नहीं बेटा, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज ग्रीक, याद रखेंगे। ओके योगेश, द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रीक, कहना गलत नहीं होगा। मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज इज ग्रीक, यस, द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा पता है हमारी कौन सी ओल्डेस्ट है? संस्कृत देवनागरी। और पढ़ा था, नहीं 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 नहीं, यू आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन ओल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट ऑफ इंडिया। ओके यस, इंडिया की ओल्डेस्ट कौन सी है? देवनागरी संस्कृत, याद आ गया। इंडिया की ओल्डेस्ट देवनागरी संस्कृत, एंड द वर्ल्ड ओल्डेस्ट इज ग्रीक। तो कहना गलत नहीं होगा, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज इज ग्रीक। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, स्पेनिश, फ्रेंच, सब कहां से डिराइव हुई है? ग्रीक। तो इसलिए ये माइक्रो मैक्रो सारे वर्ड ग्रीक है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज। तो वर्ड याद हो गया, माइक्रोस मैक्रोस, इसका मतलब होता है स्मॉल, इसका मतलब होता है लार्ज। नोटिंग नहीं, नोटिंग नहीं। माइक्रोस ग्रीक वर्ड, मैक्रोस ग्रीक वर्ड। माइक्रोस का इन इंग्लिश मींस स्मॉल, उसका लार्ज। नोटिंग नहीं। माइक्रो में स्टडी करते किसी टॉपिक को इंडिविजुअली, किसी टॉपिक को स्टडी करते अलग अलग, इंडिविजुअली। इसमें करते हैं एज अ होल, एक साथ, इंडिविजुअली अलग अलग स्टडी, इसमें एज अ होल। माइक्रो के दो अदर नेम होते हैं, प्राइस थ्योरी, वैल्यू थ्योरी, प्राइस वैल्यू। और मैक्रो के अदर नेम होते हैं इनकम थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। प्राइस वैल्यू नाम क्यों रखा, जस्टिफाई करूंगा आपसे पूछ के। प्राइस थ्योरी, वैल्यू थ्योरी, इनकम थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। माइक्रो को बताया था एडम स्मिथ ने, द फादर ऑफ माइक्रो एडम स्मिथ, फादर ऑफ मैक्रो जॉन मेनार्ड केन्स। जी एडम स्मिथ, उसका जीएम केन्स। लर्न करेंगे, नोटिंग जब सचिन सर बोलेंगे तो। हमारी फेस टू फेस क्लास ही चल रही है। जी बेटा, माइक्रोस मैक्रोस,
इन इंग्लिश मींस स्मॉल लार्ज माइक्रो में स्टडी करते हैं किसी टॉपिक को इंडिविजुअली अलग अलग इसमें एज अ होल. इसका इकोनॉमिस्ट है एडम स्मिथ जॉन मेनार्ड केन्स. माइक्रो के दो अदर नेम्स प्राइस थ्योरी वैल्यू थ्योरी प्राइस वैल्यू और मैक्रो का इनकम एम्प्लॉयमेंट. रेडी रेडी रुकिए. एम आई एम ए माइक्रो में स्टडी करते हैं इंडिविजुअली मैक्रो में एज अ होल. जी सोच के मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूं सोच के बताना ये एम आई का है एम ए का है पूरा ना लिखना माइक्रो मैक्रो. रेडी सचिन सर के एग्जांपल आपका क्लासिफिकेशन रेडी मुझे बताना सचिन सर ये एम आई का एग्जांपल एम ए का स्टार्ट. जी अंशुल के मार्क्स एम आई एम ए जल्दी टाइम कम काम ज्यादा. अंशुल के मार्क्स एम आई एम ए एम आई ओके. ध्रुव की इनकम जल्दी ध्रुव की इनकम एम आई एम ए एम आई ओके. सचिन सर का एक्सपेंडिचर सचिन सर का एक्सपेंडिचर एम आई एम ए एम आई एक की बात हो रही है ओके. यश की फैमिली यश की फैमिली का बजट बेटा ध्यान नहीं बेटा बात फैमिली की बात नहीं हो रही यश की बात हो रही है एम आई ओके. बच्चे कंफ्यूज हो गए फैमिली राइट 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 फैमिली की बात नहीं हो रही लिखा हुआ है यश ओके. यश एक एम आई ओके ठीक है. पूरे स्कूल के मार्क्स जल्दी पूरे स्कूल के मार्क्स एम ए पूरे स्कूल के मार्क्स एम ए थैंक यू. नेक्स्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी सोच के दिल्ली यूनिवर्सिटी एम आई एम ए एम ए क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेजेस आते हैं थैंक यू. दिल्ली यूनिवर्सिटी एम ए बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं थैंक यू. ट्वेल्थ क्लास जल्दी ट्वेल्थ क्लास एक 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 ट्वेल्थ क्लास एक इलेवेंथ क्लास एक टेंथ क्लास एक. जी नेक्स्ट थोड़ा सा ये इन जनरल हो गया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूं सोच के बेटा सिर्फ ट्वेल्थ क्लास लिखा है. देखो कोई टॉपिक माइक्रो मैक्रो दोनों हो सकता है ओके ध्रुव देखना भी ओके ध्रुव. सचिन सर माइक्रो भी मैक्रो भी है वेट थैंक यू ध्रुव. ये पेन माइक्रो भी है मैक्रो भी है वेट थैंक ध्रुव फॉर यू. सुनिए नेक्स्ट सोच के थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं. एग्रीगेट डिमांड एम आई एम ए जल्दी एग्रीगेट ऋषभ इतने सारे बच्चे लॉग इन है सबका जवाब आना चाहिए नहीं तो नाराज हो जाऊंगा. एग्रीगेट डिमांड एम ए इकट्ठा एग्रीगेट सप्लाई एम ए इंडिविजुअल डिमांड एम आई इंडिविजुअल सप्लाई एम आई एग्रीगेट डिमांड एम ए एग्रीगेट सप्लाई एम ए इंडिविजुअल डिमांड एम आई इंडिविजुअल सप्लाई एम आई. जी नेक्स्ट देव के डैड की इनकम जल्दी देव के डैड की इनकम एम आई एम ए देव के डैड की इनकम एम आई ठीक है. नेशनल इनकम जल्दी आशीष वेरी गुड नेशनल इनकम पूरी कंट्री की बात हो रही है एम ए थैंक यू. सोच के आपके डैड की इनकम एम आई मेरे डैड की इनकम एम आई पूरे देश की इनकम एम ए आराम से सुनना थैंक यू टचवुड सबका रिप्लाई शुरू हो गया है. सुनो जो बजट आना है फर्स्ट फेब को सुनिए मेरे शैतान फर्स्ट फेब को बजट आएगा तो वो एम आई या एम ए है जल्दी जल्दी मेरे चीतो फर्स्ट फेब को कंट्री का बजट आएगा कंट्री एम ए एम ए. नेक्स्ट सोच के इन्फ्लेशन एम ए एम आई पहले आप जवाब दोगे मैं फिर पोस्टमार्टम करूंगा. इन्फ्लेशन एम ए एम आई यस इन्फ्लेशन महंगाई पूरे कंट्री की गलती है सुनना स्टॉप 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 जब प्राइस बढ़ता है इन्फ्लेशन
कम होता है डीफ्लेशन। सुनना मेरे बच्चा, जब प्राइस बढ़ता है इन्फ्लेशन कम होता है डीफ्लेशन। इन्फ्लेशन डीफ्लेशन को एग्रीगेट टोटैलिटी में बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। याद हो गया राइट? आकृति पुत्र, दिशा, अब तो एक के का नाम भी सामने आ रहा है राइट? जब चीजें महंगी होती है मानिक, चीजें महंगी होती है इन्फ्लेशन, सस्ती डीफ्लेशन, महंगा इन्फ्लेशन, सस्ता डीफ्लेशन, इन्फ्लेशन डीफ्लेशन को एग्रीगेट इकट्ठा बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन डीफ्लेशन क्या मानिक का निकलता है, सारा का निकलता है, सचिन सर का निकलता है, पूरी कंट्री का निकलता है? क्लियर? ओके, समझ आ गई बात? इन्फ्लेशन मेरा निकलता है, इन्फ्लेशन अंशु का निकलता है, इन्फ्लेशन हिमांशु का निकलता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पूरे कंट्री का निकलता है, इसलिए मैक्रो है। गॉट इट? यस। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जल्दी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। यस, ट्वेल्थ में पढ़ा था लास्ट चैप्टर मैक्रो का, है ना, पूरे देश का, शाबाश मेरे बच्चा। ट्वेल्थ में पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अकाउंट, वंश का नहीं, पारस का नहीं, पूरी कंट्री का, मैक्रो, शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ एक्स वाई जेड फर्म, जल्दी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ एक्स वाई जेड फर्म, एक एक, यस एक, एम आई। चलिए, नोटिंग नहीं, नोटिंग नहीं, सुनो सारा बेटा, मैंने बोला भी सारा, मैंने बोला कोई टॉपिक एम आई एम ए दोनों है, वेट, ओके सारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक मिनट रुक जा पुत्र, एक चीज, सचिन सर माइक्रो मैक्रो दोनों, जी वेट, ओके अंशुल, ओके अंशुल, सुनिए, माइक्रो मैक्रो इस चार में से इस ऑप्शन में टिक लगाना, माइक्रो मैक्रो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ओके, माइक्रो मैक्रो आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, अभी बता रहा हूं। यस सर, याद हो गया? फिर वही ऑनलाइन बहाना है, हम तो सामने बैठे हुए हैं, माइक्रो मैक्रो आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। रेडी रेडी, पूरा मत लिखना, एक वर्ड लिख देना, पूरा ना लिखना, स्टार्ट। माइक्रो किस ग्रीक वर्ड से बना है, जल्दी जल्दी, अंशुल फर्स्ट, अंशु फर्स्ट आ गया, माइक्रो किस ग्रीक वर्ड से बना है, सचिन सर इज वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, किस ग्रीक वर्ड से बना है, सबने फर्स्ट आना है, माइक्रोस, ओके, और मैक्रो किस ग्रीक वर्ड से बना है, जल्दी, मैक्रो किस ग्रीक वर्ड से बना है, शाबाश मेरे बच्चा, मैक्रोस, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड, अच्छा, और माइक्रोस का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, जल्दी, माइक्रो का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, स्मॉल। सचिन सर को गजनी वाली प्रॉब्लम हो चुकी है, आपकी बारी है, ओके, मैक्रोस का डिक्शनरी मीनिंग जो पूछा, लार्ज, माइक्रोस स्मॉल, मैक्रोस लार्ज, ओके। माइक्रो में कैसे स्टडी करते हैं बेटा, सचिन सर को जवाब, सचिन सर के लैंग्वेज में, माइक्रो में कैसे स्टडी करते हैं, किस टॉपिक को, सचिन सर इंडिविजुअली, थैंक यू बेटा, इंडिविजुअली, और उसमें एज अ होल या एग्रीगेट्स, एज अ होल बोलो, एग्रीगेट्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है। माइक्रो का अंकल, जल्दी पूरा ना लिखो, पूरा ना लिखो, ए, हाँ, ए डी बी समझ आ जाएगा, माइक्रो का फादर, माइक्रो का फादर, सचिन सर रिप्लाई की वेट कर रहे हैं, एडम स्मिथ, मैक्रो का फादर, मैक्रो का फादर, थैंक यू, जे एम केन्स, जे एम केन्स, माइक्रो के दो तरह नेम्स,
जल्दी माइक्रो के दो अदर नेम्स प्रूव भी करना है जल्दी। सचिन सर ने बताया था अभी 5 मिनट पहले प्राइस थ्योरी वैल्यू थ्योरी और मैक्रो के बच्चा जल्दी मैक्रो के अदर नेम इनकम थ्योरी एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। प्राइस वैल्यू इनकम एम्प्लॉयमेंट वेट सबके लिए। चलो अब मैं ना जस्टिफाई कर रहा हूं माइक्रो वैल्यू नाम क्यों रखा इनकम एम्प्लॉयमेंट क्यों रखा सुनना साथ साथ मैं फिर बोलना। बेटे बात सुनो यश ध्रुव मैं किसी शॉप पे गए सुनना यश मैं ऋषभ की शॉप पे गए तो वहां पे हम लोग एक एक का प्राइस पूछते हैं या एग्रीगेट प्राइस पूछते हैं टेल मी पूछो बताओ है। प्रेरणा गई आकृति गई एक का पूछते ना अंकल ये कितने का है अंकल ये कितने का अंकल ये कितने का अंकल ये कितने का या टोटल सबके बताओ भी सबके बता एक का तो एक का प्राइस पूछते हैं एक का प्राइस एक की वैल्यू माइक्रो जस्टिफाइड समझ आ गया ये नाम क्यों रखा। ध्रुव एक का प्राइस पूछेगा श्रुति एक का प्राइस पूछेगी तो हम पूछते हैं एक का प्राइस एक की वैल्यू एक का प्राइस मीन्स माइक्रो गॉट इट प्लीज कंफर्म ऑल ऑफ यू ये प्राइस वैल्यू नाम क्यों रखा समझ आ गया मेरे बच्चों को यस। चल अब इनकम एम्प्लॉयमेंट मेरा ध्यान आप पे भी है चैट बॉक्स पे भी है। अब इनकम एम्प्लॉयमेंट सुनो हिमांशु फाइनेंस मिनिस्टर सुनिए हिमांशु फाइनेंस मिनिस्टर तो ये जो इनकम एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करेगा एक फर्म का पूरी कंट्री का सोच के हिमांशु फाइनेंस मिनिस्टर है तो ये जो कैलकुलेशन करवाएगा अपनी एजेंसी के थ्रू पूरी कंट्री का इतना वेला टाइम नहीं होता। जाओ सचिन सर की इनकम कैलकुलेट करो जाओ एग्जैक्टली तो इनकम पूरे देश की एम्प्लॉयमेंट पूरे देश की क्लियर। प्राइस एक का पूछते हैं वैल्यू एक का इनकम कैलकुलेट पूरे कंट्री की एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट पूरे कंट्री की ओके जी नेक्स्ट थैंक यू सुनो फिर बताना इसका जो लास्ट एग्जांपल है वो खतरनाक है। चलिए बताना MIME मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट जल्दी मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट MI सचिन सर एक्शन भी कर रहे हैं ओके मार्क्स ऑफ एंटायर क्लास एक स्टूडेंट MI क्लास MA नेक्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट पूरे देश का MA थैंक यू। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जल्दी फर्स्ट आना है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जब चीजें महंगी होती हैं इन्फ्लेशन सस्ती डिफ्लेशन आराम से हिमांशु की करते पे हो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पूरे देश का MA ओके इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पूरे देश का। अच्छा सचिन सर भूल गए इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंबाइंड वे में क्या बोलते हैं जल्दी सचिन सर भूल गए इन्फ्लेशन महंगाई है ना सस्ता डिफ्लेशन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंबाइंड वे में क्या बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल थैंक यू नेक्स्ट पर कैपिटा इनकम MI पर कैपिटा इनकम MI ठीक है नेशनल इनकम MA। चलिए कंक्लूड करते हैं पर कैपिटा बच्चा पर कैपिटा क्या होता है एक बंदे की नहीं आयुष भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर कैपिटा मींस एक बंदा कितने आएगा MI जी ठीक है नेक्स्ट प्यारे शतानों वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि साथ के साथ डाउट ले रहा हूं इन केस कुछ रह जाता है नोट कर लो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना राइट इन केस रह जाता है। चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ जी बेटा
अगर लिखा होगा, सुनिए, सबसे खतरनाक ध्रुव एक फर्म, सबसे लॉजिकल हाई लेवल की चीज आ गई, लिखा होगा फर्म, तो आकृति बेटा फर्म होता है MI, ओके, फर्म एक MI, रिया फर्म, सचिन सर फर्म, आकृति फर्म, फर्म फर्म का टोटल इंडस्ट्री, ओके, तो ये हो गया MA जी, ओके। अभी देखना, अपनी बात को घुमाऊंगा, फिर जैसे पूछूंगा, जसप्रीत नहीं बेटा, वंश लिख कह रहा है, लिखा फर्म्स, ऐसा नहीं होगा, ओके वंश बेटा, फर्म्स ऐसा नहीं होगा, राइट, थैंक यू वंश फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। फर्म एक, फर्म फर्म का टोटल इंडस्ट्री MA जी, फर्म एक इंडस्ट्री टोटल, लेकिन अगर किसी इंडस्ट्री का नाम लिखा हुआ है, सुनिए बेटा, रिलायंस इंडस्ट्री, तो वो एक है, ओके, एजुकेशन इंडस्ट्री, वो एक है, क्योंकि एक बात बताओ, क्या पूरे इंडिया में सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री है ना, क्या सिर्फ रिलायंस है, सिर्फ एजुकेशन है, तो कहने का ये तात्पर्य निकला, इंडस्ट्री शब्द का मतलब सबका टोटल, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, गॉट इट, इंडस्ट्री का मतलब है टोटल 100 करोड़, 500 करोड़, लेकिन जब पर्टिकुलर नाम लिखा होए वो एक, पर्टिकुलर इंडस्ट्री का नाम लिखा हो एक, इंडस्ट्री वर्ड पूरे देश का एक साथ, इंडस्ट्री के साथ कोई नाम लिखा हो एक है, प्लीज टेल मी यस सर नो सर, क्लियर डाउट, जल्दी यस सर नो सर, फिर मैं खेलूं, इंडस्ट्री शब्द पूरे देश का एक साथ, 100 करोड़, 500 करोड़, 50, 100, लेकिन इंडस्ट्री के साथ कोई नाम लिखा मेरे बच्चा, एक, रिलायंस इंडस्ट्री, उसके अलावा भी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जी, चलिए रेडी मेरे बच्चा, थैंक यू रेडी, यस यस जी, बताना, जो बेचने वाला एक होता फॉर्म इंडस्ट्री, जल्दी, सचिन सर भूल गए, और मैं पूछिया किया, मैं पूछ रहा हूं उसको बोलते क्या है, मैंने अभी MI की बात ही नहीं करी, कुट्टी हो रही है आपकी मेरी, हाँ, जो एक बेचने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्म इंडस्ट्री, ये पूछा मैंने, हाँ फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्म, ओके, तो फॉर्म फॉर्म का टोटल बताओ, इंडस्ट्री, पूरा मत लिखो, ये सही है, INDE, बस बस पूरा ना लिखो, इंडस्ट्री, एक बेचने वाला फर्म, ते फर्म फर्म द टोटल इंडस्ट्री, ठीक है जी, ठीक है यश, ठीक है, पेपर में लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म, MIMA, जल्दी, हमारे क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ फर्म एक, थैंक यू, प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री पूरे देश की, प्रोडक्शन बाय फर्म एक, इंडस्ट्री पूरे देश की, अच्छा, सोच के, MK गुप्ता सर इंस्टीट्यूशन फर्म, जल्दी, MK गुप्ता सर इंस्टीट्यूशन फर्म, रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे बच्चों का, MI, ओके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सोच के, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पूरे देश का, इंडस्ट्री पूरे देश का, थैंक यू मेरे बच्चा, एजुकेशन इंडस्ट्री, इसके अलावा भी है, टाटा इंडस्ट्री, इसके अलावा भी है, ये एक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री,
आयुष मैं कह तो रहा हूं, आयुष जब लिखा हुआ है एजुकेशन इंडस्ट्री, क्योंकि वो एक इंडस्ट्री है, उसके अलावा भी इंडस्ट्रीज है इंडिया में। ओके ध्रुव, ओके आयुष, समझ के बेटा डेप्थ को समझो। क्या लिख, सिर्फ इंडस्ट्री पूरे देश की 100 करोड़, एजुकेशन इंडस्ट्री एक सेक्टर, उसके अलावा भी है। ओके जी, आईसीआई एक, सीएस इंस्टीट्यूट एक, सीएमए इंस्टीट्यूट एक, माइक्रो। चलिए सुनिए, अब इसके बाद डाउट दूर। वेरी गुड, बताइए इंडियन इंडस्ट्री, जल्दी देव आंचल पुत्र सोच के, इंडियन इंडस्ट्री, ओए होए पूरे इंडिया की इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री, ओके पूरे इंडिया की होगी। कैमरा इंडस्ट्री, कैमरा इंडस्ट्री, कैमरा इंडस्ट्री एक, उसके अलावा भी है। पेन इंडस्ट्री एक, उसके अलावा भी है। सुनिए जी, माइक्रो मैक्रो, चुप 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 चुप, माइक्रो वंश दिवांशु वेट, वंश दिवांशु अमन वेट, ओके बस आपके डाउट दूर हो रहे हैं। ओके अमन दिवांशु वंश, माइक्रो मैक्रो, सचिन सर ने बोला था इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, है ना बच्चा? अब ये प्रूव करूंगा, अगर एबीसीडी में चार ऑप्शंस है तो आप इस ऑप्शन में टिक लगाएंगे, याद करना। सचिन सर अभी प्रूव कर रहे हैं, माइक्रो मैक्रो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, ये स्टेटमेंट याद हो गई? जल्दी, माइक्रो मैक्रो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, ये स्टेटमेंट याद हो गई? चलो जी, माइक्रो मैक्रो इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट्री। सुनो, जो थोड़ा बहुत डाउट रहता है अब देखना पूरा हो जाएगा। सुनो, एक स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट से बनती है क्लास, स्टूडेंट स्टूडेंट से बनती है क्लास, क्लास क्लास से बनता है स्कूल, स्कूल स्कूल से बनता है एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया से बनता है एजुकेशन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड। ये ठीक बनाई है मैंने? हे आर की प्लीज टेल मी, है ना? स्टूडेंट स्टूडेंट से क्लास, क्लास क्लास से स्कूल, स्कूल स्कूल से एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडिया इंडिया वर्ल्ड बनता है। अब सुनो, अब आराम से, इन दोनों में स्टूडेंट में क्लास में MIME कौन है? टेल मी, अब समझ आएगा मेरे बच्चा, स्टूडेंट में क्लास में MI कौन है? ये छोटा ये बड़ा, गॉट इट? स्टूडेंट MI ते क्लास बड़ा, जी थैंक यू। अब इन दोनों में क्लास स्कूल में, क्लास स्कूल में छोटा कौन है? क्लास स्कूल में छोटा कौन है? क्लास छोटी हो गई, स्कूल बड़ा हो गया जी। एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया स्कूल में छोटा कौन है? जल्दी, सचिन सर वेट कर रहे हैं, आंचल का, अंकित का, स्कूल और एजुकेशन सिस्टम इंडिया में छोटा कौन है? स्कूल छोटा हो गया, एजुकेशन सिस्टम बड़ा हो गया। अब इन दोनों में इंडिया वाला छोटा हो गया, वर्ल्ड वाला बड़ा हो गया, तो क्लास MI भी MA भी, स्कूल MA भी MI भी, इंडिया MI भी MA भी, सचिन सर
MIB MAB, सुनना जी सचिन सर, MIB MAB, सुनो, अगर मैं कंपैरिजन करता हूं अपने छोटे से, रिप्लाई बंद, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस, सचिन सर MIMA दोनों, अगर सचिन सर कंपैरिजन करते हैं अपने छोटे से, मैं अपने छोटे से कंपैरिजन करता हूं तो वो हो गया MI, मैं हो गया MA, और अगर मैं अपने बड़े से कंपैरिजन करता हूं तो वो MA, मैं MI, यस नो, ठीक कह रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल आपने बताना है, राइट? सचिन सर अगर कंपैरिजन कर रहे हैं अपने छोटे से तो वो MI, मैं MA, और अगर मैं अपने बड़े से कंपैरिजन कर रहा हूं तो मैं MI, वो MA, राइट? तो एक कंसेप्ट माइक्रो मैक्रो होता है, लेकिन डिपेंड करता है उन दोनों में से छोटा कौन है, बड़ा कौन है, यस? तो इसलिए कंपैरिजन हमेशा दो में होगा, तीन चार पांच में नहीं होगा। तो ये जब लिखा हुआ था ना अंशुल, अंशु बेटा लिखा था इंडियन इंडस्ट्री, सिर्फ इसका मतलब है पूरे इंडिया की बात हो रही है, ओके अंशु, इंडियन इंडस्ट्री, वहां ये नहीं लिखा था इंडियन इंडस्ट्री एज कंपेयर टू वर्ल्ड, अब समझ गए, ठीक है बेटा जी। तो इस फ्लो, थैंक यू, तो इस फ्लो चार्ट से क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट आपसे पूछ रहा हूं, माइक्रो मैक्रो इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट्री, रेडी? माइक्रो मैक्रो इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट्री, रुक जा, मैं भूल गया, आपका नंबर लगाता हूं, रेडी जी। लक्ष्य का घर, चुप, लक्ष्य का घर, घर घर से बन गई मिलके कलोनी, कलोनी कलोनी से मिलके बना डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट से बना स्टेट, स्टेट स्टेट से बना कंट्री, कंट्री कंट्री से बना वर्ल्ड, ठीक लिख रहा हूं ना भाई? ओ बता दो भाई, हां जी। हाउस गुंदन का, हाउस हाउस कलोनी, कलोनी कलोनी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट, स्टेट स्टेट कंट्री, कंट्री कंट्री वर्ल्ड, ओके। अच्छा कॉन्टिनेंट, रुक जाओ, कॉन्टिनेंट वंश अंकल, रुक जा, कॉन्टिनेंट, चलो बताओ जी इन दोनों में MI कौन है, जल्दी मेरे बच्चा, जो सचिन सर ने ब्रैकेट बनाया है इन दोनों में MI कौन है, यस सर, सर हाउस छोटा है कलोनी बड़ा है, थैंक यू बेटा। अब इन दोनों में MI कौन है, जल्दी आकृति पुत्र आंचल बेटा प्रशांत, कलोनी डिस्ट्रिक्ट में छोटा कौन है, कलोनी छोटी डिस्ट्रिक्ट बड़ा, इन दोनों में MI कौन है, डिस्ट्रिक्ट MI स्टेट MA, इन दोनों में स्टेट छोटा कंट्री बड़ा, इन दोनों में कंट्री छोटा वर्ल्ड बड़ा, तो कलोनी MIB MAB, डिस्ट्रिक्ट MAB MIB, स्टेट MI MA, कंट्री MA MI, डिपेंड करता है कंपैरिजन किससे कर रहे हो, इसे बोलते हैं रिलेटिव कंसेप्ट, क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव कंसेप्ट, रिलेटिव कंपैरेटिव। अगर सिर्फ कलोनी लिखा होगा इसका मतलब है टोटलिटी की बात हो रही है, ओके निपुर, सिर्फ कलोनी लिखा है इसका मतलब किसकी बात हो रही है, टोटलिटी की बात हो रही है, स्कूल ग्रुप की बात हो रही है, स्टूडेंट एक, स्टूडेंट एक। चलो कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड करते हैं, बताना MIMA, अब मैं सिर्फ एक ही टर्म बताऊंगा, चलिए, पुअर पर्सन, रेडी, पुअर पर्सन, पुअर पर्सन MIMA, पुअर पर्सन एक, एक पर्सन नहीं, एक एक पुअर पर्सन, ठीक है, पॉवर्टी, पॉवर्टी पूरे देश की निकालते हैं, पॉवर्टी पूरे देश की निकालते हैं, थैंक यू, मिलता जुलता, मिलता जुलता, अनएम्प्लॉयड पर्सन, जल्दी यश, अनएम्प्लॉयड पर्सन, अनएम्प्लॉयड पर्सन एक, अनएम्प्लॉयमेंट, जल्दी, अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश की,
अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश की, नेक्स्ट नेक्स्ट नोटिंग 10-15 मिनट के बाद जब बोलूंगा, चलिए ऑनेस्ट रिप्लाई। अभी माइक्रो मैक्रो में जो डिफरेंस करवाया, इंटरडिपेंडेंस, कॉम्प्लीमेंट्री, क्लियर है, डाउट है, बाउंसर है, जल्दी ऑनेस्ट रिप्लाई, क्लियर है या बाउंसर? झूठ नहीं बोलना बच्चे, नहीं तो नहीं, मना कर भाई, नहीं क्लियर, चले चले नहीं क्लियर। आप फेस टू फेस अच्छा बढ़ाते हो, ऑनलाइन बोल दे एक बार, मैं डरता नहीं भाई यार, दोबारा समझा दूंगा, एक बारी और ठीक है अंशु, कॉम्प्लीमेंट्री समझाना है, ठीक है बच्चा, रिप्लाई 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 रिप्लाई, आ गया रिप्लाई। आयुष गुप्ता बेटा, आयुष गुप्ता बेटा, एक बात बता, एजुकेशन इंडस्ट्री ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटिव ठीक है, ठीक है बच्चा, ओके कुंदन, ओके मांचु, समझ गया बच्चा, आपने चैट बॉक्स में लिख दिया जी। मानिक बेटा, जब हम लोग छोटे से बड़ा, बड़े छोटे में कंपैरिजन करते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव, एक एक करके, ओके। सचिन सर छोटे से, सचिन सर बड़े से, इसे बोलते हैं रिलेटिव, ओके मानिक। हिमांशु को वो कंपैरिजन चाहिए, ठीक है जी। अब बता रहा हूं श्रेयांश, क्वेश्चन किस फॉर्म में आएंगे बता रहा हूं बच्चा। अब एक तुम सब बताओ, लिखा हुआ है इंडियन इंडस्ट्री, तो इसका मतलब क्या है? पूरे इंडिया में जो इंडस्ट्रीज हैं, है ना बेटा, कहीं लिखा है इंडियन इंडस्ट्री एज कंपेयर टू अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी? इंडियन इंडस्ट्री का मतलब है इंडिया में जो 50 करोड़ 100 करोड़ इंडस्ट्री है उनका टोटल, गॉट इट? यह मतलब हुआ इंडियन इंडस्ट्री जी, एज अ होल, एज अ होल। चलिए टोटैलिटी, अभी वो जो फ्लो चार्ट दो करवाए थे, दो बच्चों ने बोला वो करवा दो 5 मिनट के बाद, रुकिए, नेक्स्ट, नोटिंग नहीं, ये समझेंगे समझाएंगे फिर नोटिंग करेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सुन मेरे बच्चा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ओके दिव्यांशु भाई, ओके दिव्यांशु, पॉजिटिव नॉर्मेटिव, सुनो, पॉजिटिव साक्षी बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताती है जो चीज प्रेजेंट है, साक्षी पुत्र, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताती है जो चीज प्रेजेंट है, प्रेजेंट, ट्रिक ट्रिक, पी पॉजिटिव पी प्रेजेंट, ठीक है बेटा, पी ट्रिक, पी पॉजिटिव पी प्रेजेंट। और दिवांशु वो पी पड़ोसन थ्री प्रांजल, दिवांशु ट्रिक, पी पॉजिटिव पी प्रेजेंट, और वो जो पड़ोस में रहती नहीं है परिणीता, हाँ वही, जो भी पी वही 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 वाली, हाँ बस, अब नाम बल देखे यहां पे हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, पीटीएम में दिखा देंगे तेरी माता को, हाँ अब तू पी से जबरदस्ती कोई नाम लिख रहा है, हाँ यार गलत बात है यार, तो बहुत गलत बात है जी तुम्हारे। सुनो मैं एक मिनट पहले बात बताता हूं फिर आगे क्लास, सुनो भाई पहले बात तो सुनो ना मोहित, बात सुन मोहित, ओ रुक जाओ एक मिनट, पहले बात तो सुनना, ये तुम ट्वेल्थ, तुमको टेंथ इलेवन ट्वेल्थ, पहले बात तो सुनो, मैं इसकी बात बता रहा हूं, तुमको टेंथ इलेवन ट्वेल्थ के एवरेज मार्क्स देख के पास कर दिया है ना, तुम्हारा एग्जाम नहीं हुए, बताओ है ना, ऐसी हुआ था ना, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हमारी क्लास में, एग्जाम एग्जाम तो हुए नहीं, टेंथ इलेवन ट्वेल्थ के मार्क्स एवरेज लगाए, चलो जी, पॉजिटिव जो चीज प्रेजेंट है, नॉर्मेटिव ऑट टू बी, होनी चाहिए, ऑट टू बी, शुड बी,
ट्रिक याद हो गई लक्ष्य, पी पॉजिटिव, पी प्रेजेंट और नॉर्मेटिव, ऑट टू बी शुड बी, ऑट टू बी शुड बी। पॉजिटिव बताता है कॉज इफेक्ट में रिलेशन, नोटिंग मना कर रखी अभी, कॉज इफेक्ट में रिलेशन, उसका कॉज क्या है इफेक्ट क्या है, कारण प्रभाव में रिलेशन, कॉज इफेक्ट। सुनो, कोविड कॉज लॉकडाउन इफेक्ट, यस सर नो सर, यस सर नो सर, कोविड ओमिक्रॉन कॉज लॉकडाउन इफेक्ट, यस सर। तुम बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हो, कॉज मार्क्स अच्छा आएंगे, इफेक्ट। तुम लोग लेबर कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कॉज नंबर अच्छे आएंगे, इफेक्ट जी। जतिन जतिन अब सुनो बीच में, तो फिर जतिन उसके पीछे में जाता है, वही जतिन उसके पीछे में जाता है, कॉज पिटाई होगी, इफेक्ट। जतिन समझ गया, यस। जतिन उसके पीछे में जाता है, कॉज, तो जतिन की पिटाई हो गई, इफेक्ट, यस सर, यस सर, बस बस सर यही समझ आ गया जी जी जी। और ये बताता है सजेशन, सजेशन, ओपिनियन, वैल्यू जजमेंट, कॉज इफेक्ट, वो याद हो गया बेटा, सजेशन, ओपिनियन, वैल्यू जजमेंट। इसको प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, मानिक बेटा यहां पे होती है अजम्पशन, मान लो मान लो मान लो अजम्पशन, अभी एग्जांपल के साथ खेलूंगा, टेंशन नहीं। चलिए जी लर्न कर रहे हैं, एक मिनट स्टार्ट, नोटिंग नहीं लर्निंग। प्रेजेंट सिचुएशन शुड बी, ऑट टू बी, होनी चाहिए, ये रिलेशन बताता है कॉज इफेक्ट में, कारण क्या है, प्रभाव क्या है, और वो क्या देता है, सजेशन, ओपिनियन, वैल्यू जजमेंट। इसको प्रूव कर सकते हैं, इसमें अजम्पशन होती है, अजम्पशन, मान लो मान लो मान लो, रेडी, मुझे बताना ये एग्जांपल, सुनो फिर मेरे एग्जांपल आपका क्लासिफिकेशन, मुझे बताना ये पी पॉजिटिव है एंड नॉर्मेटिव है, रेडी, ओके मोहित, पी पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, स्टार्ट, स्टार्ट करने का बेटा जी। 150 करोड़ लोगों को 150 करोड़ वैक्सीनेशन लग गई, जल्दी 150 करोड़ वैक्सीनेशन लग गई, पी एन, सोच के 150 करोड़ वैक्सीनेशन लग गई, पी एन, पी पॉजिटिव, हम प्रेजेंट, अच्छा प्रूफ भी है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, यस सर, 150 करोड़ लग गई, प्रूफ भी तो है आंचल के पास, श्रियांश के पास, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट, अमीर गरीब में इनइक्वालिटी दूर होनी चाहिए, पीएन, जल्दी, अमीर गरीब में इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी गैप, इनइक्वालिटी डिस्पैरिटी गैप दूर होना चाहिए, होना चाहिए, सजेशन, अमीर गरीब में गैप दूर होना चाहिए, सजेशन, नॉर्मेटिव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रेरणा के पापा की इनकम, प्रेरणा के पापा की इनकम 100 सीआर है, जल्दी, प्रेरणा के पापा की इनकम 100 सीआर है, पी एन, पी पॉजिटिव, प्रेजेंट, प्रूफ होगा, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, कोई सैलरी स्लिप, बैलेंस शीट, यस, फैक्ट। नेक्स्ट, श्रेयांश के 90% मार्क्स आए, श्रेयांश के 90% मार्क्स आए, पॉजिटिव, प्रूफ, रिपोर्ट कार्ड, प्रोग्रेस कार्ड जी, थैंक यू देव। नेक्स्ट, गौरव के मार्क्स में इंप्रूवमेंट चाहिए, द मार्क्स ऑफ गौरव शुड बी इंप्रूव्ड, सोच के, द मार्क्स ऑफ गौरव शुड बी इंप्रूव्ड, शुड बी, ऑट टू बी, सजेशन, नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव, थैंक यू, रेडी, पॉजिटिव, नोटिंग नहीं, रिक्वेस्ट है, नोटिंग नहीं,
क्योंकि हम तो फेस टू फेस में लर्न करते हैं, ऑनलाइन में लर्न करते हैं जी, क्या करें, इको तो ऐसे ही करवाएंगे सर। स्टार्ट, पॉजिटिव में क्या होता है, प्रेजेंट या शुड बी नॉट, जल्दी पूरा ना लिखो, पीटी समझ आने का, जल्दी। सारे शैतान देव, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में किस पे टिक लगाओगे? यस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग टिक लगाएंगे प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन। नॉर्मेटिव क्या बताता है मेगा पुत्र? ऑट टू बी, शुड बी, होना चाहिए, ऑट टू बी, शुड बी। जी, पॉजिटिव किस किस में रिलेशन बताता है? जल्दी, देव फर्स्ट आने वाला है। पॉजिटिव किस किस में रिलेशन बताता है मेरे शैतानों? यस, कारण क्या है, प्रभाव क्या है। थैंक यू मांशु। कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, कॉज इफेक्ट में रिलेशन, कॉज इफेक्ट में रिलेशन, ठीक है। और वो क्या बताता है, जल्दी 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 क्या बताता है? सजेशन, ओपिनियन, वैल्यू जजमेंट, जी। क्या पॉजिटिव का प्रूफ होता है? है बच्चा, पॉजिटिव का प्रूफ होता है? यस, फैक्ट, फैक्ट, एक्चुअल, इसको प्रूफ कर सकते हैं। और वहां पे क्या होती है, जल्दी मोहित, वहां पे क्या होती है? मान लो, मान लो, मान लो, मान लो, मान लो, अजम्पशन, जिसको प्रूफ नहीं कर सकते। अजम्पशन को कैसे प्रूफ करोगे? इट कुड बी रॉन्ग। चलिए जी, नेक्स्ट जी, बस दो मिनट के बाद हम लोग लिखना शुरू करेंगे। सुनिए प्यारे शैतानों, अभी मैंने कोशिश करी माइक्रो मैक्रो पॉजिटिव नॉर्मेटिव लर्न करवाने की, रिप्लाई बंद, पॉजिटिव नॉर्मेटिव माइक्रो मैक्रो। प्यारे शैतानों, इलेवेंथ में, सुनना जी, इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में, बीकॉम में आपकी माइक्रो मैक्रो है, लिसन टू मी कंप्लीटली। इलेवेंथ, ट्वेल्थ, बीकॉम, चाहे आपका ऑनर्स है, चाहे आपका प्रोग्राम है, माइक्रो मैक्रो, श्रुति पुत्र ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स में, एमफिल में, पीएचडी में माइक्रो मैक्रो नहीं होती, चार इकोनॉमिक्स होती हैं। सचिन सर रिपीट्स, इलेवेंथ ट्वेल्थ आपने पढ़ी? यस सर। अभी आप बीकॉम पढ़ रहे हैं, सीए पढ़ रहे हैं, माइक्रो मैक्रो, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन में माइक्रो मैक्रो नहीं होती, चार इकोनॉमिक्स होती हैं। सुनिए, एक होती है वेल्थ इकोनॉमिक्स, एक होती है बेटा वेलफेयर इकोनॉमिक्स, एक होती है बेटा चॉइस मेकिंग, चॉइस मेकिंग, एक होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चार इकोनॉमिक्स होती है पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीएचडी तक। इनमें हम लोग करते हैं स्पेशलाइजेशन। पहले मेरी बात सुनेंगे, फिर सब रिप्लाई देंगे। आप बच्चों ने इलेवंथ में, सुनिए, आप लोगों ने इलेवंथ में फर्स्ट चैप्टर में इनके शायद कुछ नाम पढ़े थे, जल्दी, है ना हिमांशु? और जल्दी बोलो, हां जी ना जी। इलेवंथ में स्टैट्स में, इलेवंथ में स्टैट्स में हमने नाम पढ़े थे, कुछ टीचर ने कटवा दिए होंगे। यस, चलो याद करो भाई, जल्दी याद करो, वेल्थ, वेलफेयर, चॉइस मेकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जल्दी। ध्रुव, नाम याद हो गए, वेल्थ इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, चॉइस मेकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन चारों में से सबसे साइंटिफिक चॉइस मेकिंग है, क्यों बता दूंगा, याद हो गया, वेल्थ, वेलफेयर, चॉइस मेकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कनिका पुत्र, इन चारों में से सबसे साइंटिफिक लॉजिकल कौन सी है? चॉइस मेकिंग।
ठीक है सर जी, सुन, वेल्थ इकोनॉमिक्स को दो ने बताया था, एक थे एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, दूसरे थे जेबी से। नोटिंग मना कर रखी है, लर्निंग शुरू है, याद कर जल्दी। ध्रुव बेटा याद हो गया, वेरी गुड हिमांशी, हिमांशी वेरी गुड। वेल्थ इकोनॉमिक्स दो ने बताई थी, एक एडम स्मिथ जेबी से, एडम स्मिथ जेबी से। वेलफेयर, वेलबींग, वेलफेयर वेलबींग, इसको भी दो ने बताया था, एक थे मार्शल अंकल, थैंक यू अर्चिता, थैंक यू अर्चिता बेटा, एक थे एल्फर्ड मार्शल, एसी पिगो, ए सी पिगो। चॉइस मेकिंग, एक ने बताई थी, चॉइस मेकिंग एक ने बताई थी, रॉबिन्स, लाइनल रॉबिन्स, रॉबिन्स। अभी मैं नाम याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं, टेंशन लेते सचिन सर क्लास में। चॉइस मेकिंग, लाइनल रॉबिन्स। सुनिए जल्दी से बताना प्यारे बच्चों, अभी मैं भी करवाऊंगा, 11th में पढ़ा था हमने, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जल्दी बोलो। ओ पढ़ा था सेंटर प्रॉब्लम, ओ हां जी ना जी, अभी हम सचिन सर ने भी करवाना है सेंटर प्रॉब्लम, जिन्होंने पढ़ी थी और जिन्होंने नहीं पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हाँ पढ़ा था, देवंकल वो यही थे, रॉबिन्स ने बताई थी। ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यही अंकल थे, यही रॉबिन्स, हाँ रॉबिन्स अंकल थे, सेंटर प्रॉब्लम बताने वाले। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तीन थे, पॉल ए सैम्यूलसन, हेनरी स्मिथ, जैकब वाइनर। लर्न करेंगे मेरे साथ, एक मिनट रुको, चलिए जी। स्टार्ट, फर्स्ट याद हो गया जल्दी, गौरव, वंश, फर्स्ट याद हो गया, डन के लिए डी, जल्दी। वेल्थ के दो अंकल थे, सबका रिप्लाई, जितने बच्चे ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, एक भी नहीं जवाब देगा सचिन सर नाराज हो जाएंगे। वेल्थ के दो अंकल थे, मैं भी तेरे साथ याद करूं, वेल्थ के दो अंकल थे, डेफिनेशन की, एक एडम स्मिथ, एक जेबी से। यस याद हो गया, एडम स्मिथ जेबी से, डन, एडम स्मिथ जेबी से, सुनूंगा क्यों नहीं सुनूंगा। चलिए अब याद करेंगे, मानिक बेटा, वेलफेयर वेलबींग, जल्दी, वेलफेयर वेलबींग, एक थे मार्शल अंकल, एक एसीपी को, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। वेलफेयर वेलबींग डेफिनेशन का थे, एक एल्फर्ड मार्शल अंकल, एक एसीपी को, डन 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 डन। चॉइस मेकिंग, सेंटर प्रॉब्लम वाले अंकल, चॉइस मेकिंग, सेंटर प्रॉब्लम वाले अंकल, रॉबिन्स, रॉबिन्स। ओके आयुष, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पॉल ए सैमुलसन, हेनरी स्मिथ, जैकब वाइनर। जल्दी, ग्रोथ डेफिनेशन, पॉल ए सैमुलसन, हेनरी स्मिथ, जैकब वाइनर। देख लो भाई, सुन रहा हूं भाई, सुन रहा हूं, ये तीन हो गए, यस, तभी तो नोटिंग नहीं करवा रहा अभी। चॉइस मेकिंग, यस, वेलफेयर, यस, वेल्थ, यस।
रेडी रेडी। सारे बच्चे चार प्लीज शॉर्ट में लिखना, सारे बच्चे जरा लिखेंगे वेल्थ वेलफेयर और कौन कौन सी होती है, लिखना जरा फटाफट। नहीं, अभी अंकल के नाम नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन में चार इकोनॉमिक्स कौन सी होती है, लिखें फटाफट, जल्दी लिखेंगे, आपके पास 15 सेकेंड्स हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके पीएचडी तक चार इकोनॉमिक्स होती हैं, वेल्थ वेलफेयर दो और के नाम। सचिन सर ने जो पूछा उसका रिप्लाई देंगे फटाफट। वेल्थ, ओके। कोई बच्चा भी छूट ना जाए, सारे मेरे फेवरेट हैं। वेलफेयर, वेलबींग, चॉइस मेकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चार इकोनॉमिक्स होती है पोस्ट ग्रेजुएशन में। ओके, नेक्स्ट। अमंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंकित, अमंग दीज फोर डेफिनेशन विच इज द मोस्ट साइंटिफिक लॉजिकल, जल्दी, पूरा ना पूरा ना पूरा ना, बस एसटीपी समझ आता है। अमंग दीज फोर डेफिनेशन विच इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड लॉजिकल, टेल मी। चॉइस मेकिंग, थैंक यू। चलिए लिख देंगे शॉर्ट में, वेल्थ के दो अंकल, जल्दी, वेल्थ के दो अंकल, जल्दी करो जल्दी करो। हिमांशु पता नहीं क्यों फर्स्ट आ जाता है। वेल्थ डेफिनेशन के दो अंकल, एक तो वही था माइक्रो वाला, ये तो माइक्रो वाला है, जेबी से, जे बी, थैंक यू। चलो वेलफेयर वेलबींग के लिख दो दो, जल्दी दिशा उत्तर, जल्दी आदित्य, वेलफेयर वेलबींग के दो, लर्निंग इकोनॉमिक्स की क्लास में बार बार ना बोलूं। वेलफेयर और वेलबींग वाले दो अंकल, एल्फर्ड मार्शल, एसी पिगो, ठीक है जी। चॉइस मेकिंग वाला, फास्ट, चॉइस मेकिंग वाला, जल्दी अंकित, आपका भी टेस्ट है मेरा भी टेस्ट है, शाबाश मेरे चीतो। चॉइस मेकिंग या सेंटर प्रॉब्लम, रॉबिन्स, लाइनल रॉबिन्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले कितने थे, पहले नंबर बता दो, नंबर बता दो, 3 थे 5 थे 20 थे 50 थे, मैं भूल गया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले कितने भाई थे, तीन भाई थे, ठीक है, लिखना जरा उनके नेम्स शॉर्ट में, पूरा नहीं, चाहे उनके इनिशियल अल्फाबेट लिख दो। थैंक यू अमन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के तीनों, शाबाश शाबाश शाबाश, एक दूसरे से कंपटीशन आपका। पॉल ए सैमुसन, पॉल ए सैमुसन, हेनरी स्मिथ, जैकब वाइनर, थैंक यू युवाल, चलिए जी। सुनिए जी, नेक्स्ट, अभी हमने तीन चीजें करी, माइक्रो मैक्रो,
इसकी डेफिनेशंस भी है, माइक्रो मैक्रो करा, पोस्ट नॉर्मेटिव करा, और ये चार इकोनॉमिक्स करी पोस्ट ग्रेजुएशन वाली, उनके इकोनॉमिक्स के नाम, प्लीज रैबट मी ऑनेस्टली, ये तीन लर्न हो गई नहीं हुए, समझनी लर्न, ऑनेस्ट रिप्लाई नो तो नो, माइक्रो मैक्रो पॉजिटिव नॉर्मेटिव और ये चार के नाम लर्न हो गए मेरे बच्चों को नहीं हुए, जल्दी ओके निपुर नहीं हुए जल्दी, ओ बता रहा हूं रिलेटिव वाला भाई, बता रहा हूं रिलेटिव वाला, नाम याद भी बाकी हो गया, कोई बात नहीं, लास्ट वाले तीन नहीं हुए, ओके लास्ट वाले तीन नहीं, बाकी हो गए ना, और रुक जा लिखवाता हूं मानिक, लिखवा रहा हूं बेटा, क्यों नहीं लिखवाऊंगा, 60-70% दुल्हन हो गया ये बता, चलो 60-70% हो गया, बाकी बच्चों को 100 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 90 हो गया, जीरो तो नहीं है ना, हाँ चलिए सुनिए नेक्स्ट, सुनो जी इकोनॉमिक रिप्लाई बंद, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स इकोनॉमिकल और इकोनॉमी, ये वर्ड ऑलमोस्ट सेम है बट मीनिंग इनका बिल्कुल अलग अलग है, अभी चुप रहना मुझे लर्न करवाने दो, क्या लिखा मैंने यश भाई, इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स इकोनॉमिकल इकोनॉमी, तीनों वर्ड ऑलमोस्ट सेम है, मीनिंग अलग अलग है, सुनिए इकोनॉमिक का मतलब होता है जिसका रिलेशन गांधी बाबे से होता है, ओके जिसका रिलेशन मनी से होता है उसे बोलते हैं इकोनॉमिक, राइट बेटा, जिसका रिलेशन पैसे से, इकोनॉमिक पैसे से ना हो, नॉन इकोनॉमिक, राइट, हमने पढ़ा था बीएसटी में भी पढ़ा था, बिजनेस स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, रिप्लाई सुनो, बीएसटी इकोनॉमिक्स दोनों में पढ़ा था, अगर मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक अपने बच्चों को पढ़ाता नॉन इकोनॉमिक, राइट, बोलो पढ़ा था ना, मम्मी घर काम करती है नॉन इकोनॉमिक, मेड इकोनॉमिक, राइट, मेघा को मुझे मम्मी ने ब्रिंगअप करा पाला, नॉन इकोनॉमिक, मम्मी ने तेरे को मेरे को ब्रिंगअप करा पाला, नॉन इकोनॉमिक, केयर टेकर इकोनॉमिक, जी तो पहला क्लियर हो गया, जिसका रिलेशन पैसे कमाने से होता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट्स आल्सो कॉल्ड ऑक्यूपेशन, लर्न हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो आप और मैं पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिकल चीपर इकोनॉमी कंट्री, याद कर जल्दी जल्दी बेटा, इकोनॉमिक, फिर आगे गेम को बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, इकोनॉमिकल चीपर, तो इकोनॉमी कंट्री, याद हो गया जल्दी, मानिक देव अलग अलग नाम ना लूं मेरे चीतो, पैसे से रिलेटेड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सब्जेक्ट, इकोनॉमिकल चीपर, तो इकोनॉमी कंट्री, डन डन डन, चलो फिर सुन लेते हैं, रिप्लाई दे दिया यश ने, सुन लेते फिर, चलो जी सीक्वेंस मैं थोड़ा पूछूंगा, सुनूंगा रेडी, कंट्री को क्या बोलेंगे इकोनॉमी, थैंक यू, कंट्री को क्या बोलेंगे इकोनॉमी, सबका रिप्लाई आ रहा है जी, आ रहा है, अच्छे बच्चे मेरे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, जिसका रिलेशन पैसे कमाने से होता है, जल्दी, जिसका रिलेशन पैसे कमाने से होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, गांधी बाबे से रिलेटेड इकोनॉमिक,
इकोनॉमिक एक्टिविटी का मैंने अदर नेम बताया था बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का अदर नेम बताया था ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन चीपर 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 चीपर, जल्दी वंश फर्स्ट आ गया। इकोनॉमिकल और सब्जेक्ट, जल्दी गौरव और सब्जेक्ट बेटा, इकोनॉमिक्स। ओके बच्चा, थैंक यू। रिप्लाई बंद। जतिन भाई, इकोनॉमी कंट्री तीन तरह की होती है, चुप चुप चुप, कुछ नहीं आता इलेवंथ वाला। इकोनॉमी कंट्री, चलो सुनो सुनो, नहीं चुप चुप, इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट द लिविंग लाइवलीहुड, लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमी। ये डेफिनेशन है बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट ए जे ब्राउन, याद कर। इकोनॉमी इज अ सिस्टम, हिंदी कॉन्सेप्ट दिमाग में नो रट्टा, याद कर। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग लाइवलीहुड, लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमी। सुनो, योगेश के पापा जो काम करते हैं, कनिका के पापा, मेरे पापा, कुंदन के पापा, आकृति, आंचल, तो उनको कलेक्टिवली इकोनॉमी बोलते हैं, अलग अलग को नहीं बोलते हैं, राइट? प्लीज टेल मी, किसी के पापा बैंकर, स्कूल टीचर, किन्हीं के बस चलती है, प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर, तो मेरे प्यारे शतानों, अलग अलग को नहीं, कलेक्टिवली को बोलते हैं इकोनॉमी। सीबीआई ऑफिसर, थैंक यू, याद हो गया हर्ष। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट द लिविंग लाइवलीहुड, लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उसे इकोनॉमी बोलते हैं, और ये कलेक्टिव टर्म है, इंडिविजुअल नहीं। और ये डेफिनेशन बताई थी ए जे ब्राउन ने, ए जे ब्राउन। चलो एक बात बताओ, तो ये जो मैंने वर्ड डेफिनेशन यूज करी, कलेक्टिवली को बोलते हैं, तो ये मैक्रो हो गया माइक्रो हो गया, अब बता रहा जल्दी हर्ष। सचिन सर फिर बात को घुमा गए यहां पे, है जतिन के पापा, मोहित के पापा, प्रशांत के पापा, मेरे पापा, तेरे पापा, उसके पापा, कलेक्टिवली इकोनॉमी, तो ये एम ए हुआ, एम आई हुआ सर, एम ए हुआ ना, एम ए एम ए एम ए एम ए एम ए मैक्रो। हाँ जी, तो हमने पढ़ा था इलेवंथ में, ट्वेल्थ में, इलेवंथ में पढ़ा हमने माइक्रो में, स्टैट्स में, और हमने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा, मैक्रो में भी आया था। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, चुप रहना जी, मुझे मेरे तरीके से करवाने देना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। हाँ जी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, ये तीन तरह की इकोनॉमी होती है, कंट्री होती है। सुनो अब ये टर्म पहली बार सुन लो, सुन सुन, स्टेप बाय स्टेप। ध्रुव भाई ये टर्म सुन ले, पूरी इकोनॉमिक्स में सुनूंगा बताऊंगा नहीं। FOP, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या बोला मैंने निपुर बेटा? FOP फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ओनर। लैंड, लेबर, कैपिटल, ओनर, इन चार को बोलते हैं FOP, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। खुद सोच के देखो, कोई बंदा कोई भी काम शुरू करे, सुनना फिर, यस सर, नो सर, अग्री डिसअग्री। किसी ने स्कूल खोला, कॉलेज, जिम, बियर बार, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, ओनर चाहिए, हाँ जी ना जी, ओ हाँ जी ना जी, है ना, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, एयरपोर्ट, चांदनी बार, जिम, मंदिर, अच्छा नहीं मंदिर नहीं, मंदिर नहीं, इट्स नॉट अ बिजनेस, मंदिर नहीं हो, मंदिर नहीं,
चार एफ ओ पी चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, पैसा ते ओनर, चार एफ ओ पी। लैंड इज नॉट मैंडेटरी इन ऑनलाइन ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग मानिक बेटा एक बात बता, कहीं ना कहीं पे तो ऑनलाइन आपको असिस्ट करने के लिए, आप कहीं पे ट्रेडिंग कर रहे होगे तो वो तो जगह है ना, क्यों मानिक? ठीक कह रहा हूं, मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करता हूं तो हवा लैंड में बैठता हूं, हवा में ध्यान योग। सचिन सर ये क्या कर रहे हो बेटे? हम लोग योगा भी कर रहे हैं हवा में उड़ते हुए और ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना बेटा जी। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, ये तीन प्रकार की इकोनॉमी होती है। सुनिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एफओपी लैंड लेबर कैपिटल ओनर मैक्सिमम प्राइवेट के पास होते हैं। सचिन सर ने बोला मैक्सिमम, 80-90-100% नहीं। ओके, आई यूज द टर्म मैक्सिमम, लैंड लेबर कैपिटल ओनर के मैक्स 90-80 टाटा बिरला। बेटा ये जो दिवांशु आप बोल रहे हैं इट्स अ फीचर, मेरे को बेस करवाने दो ठीक है बेटा, अल्टीमेटली वहीं पे आऊंगा दिवांशु, बहुत चालाक हूं बेटा मैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप फिर आपको बीच में ले आता हूं। एक नंबर का चालाक मैं, दो नंबर के चालाक आप, ठीक है? डील डील डील। चल, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में जो लैंड लेबर कैपिटल ओनर होता है मैक्सिमम प्राइवेट के पास, टाटा बिरला के पास होते हैं। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट के पास होते हैं लैंड लेबर, और मिक्स्ड में दोनों, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी। मैं बार बार बोल रहा हूं मैक्सिमम एफओपी 100% नहीं, 80-70-60 टाटा बिरला, गवर्नमेंट, मिक्स्ड। सुनो जी, कैपिटलिस्ट बोलो, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, लाइजस फ्योरे, ये सब सिनोनियम्स हैं, जल्दी लर्न करेंगे। आकृति पुत्र देव बेटा जल्दी, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, लाइजस फ्योरे, चारों का मतलब एक ही है। ओके, और जल्दी 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 देखते कौन फर्स्ट आता है, फिर इरेज करके सुनूंगा भी। ऑनलाइन तो बहाना है, हम तो फेस टू फेस बैठे हुए हैं। चार नाम याद हो गए, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, लाइजस फेरे। अच्छा सुनो, लाइजस फेरे हमने पढ़ा था 12th में बिजनेस स्टडीज में, लीडरशिप के स्टाइल में। हां जी ना जी, जल्दी 12th में सचिन सर कहां से कहां के बात को जोड़ते हैं, आपको याद करवाते हैं। 12th में बिजनेस स्टडीज में हमने लीडरशिप के स्टाइल में पढ़ा था लाइजस फेरे, लाइजस फेरे। अनन्या बेटा इट्स अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है नो इंटरफेरेंस जी, लाइजस फेरे इज अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है नो इंटरफेरेंस, कोई रोक टोक नहीं है, जा सिमरन जा, राज तेरा वेट कर रहा है, जा DDLJ मूवी है ना। चलो हर्ष, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, लाइजस फेरे, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, लाइजस फेरे। सुनो अब मैं एक एक को मोहित जस्टिफाई करता हूं। सुनो ये चार नाम पढ़े कैसे, सुनो, कैपिटल लगाता है ज्यादातर प्राइवेट, कैपिटल लगाता है प्राइवेट, फ्री मार्केट गवर्नमेंट टांग नहीं अड़ाती, लाइजस फेरे गवर्नमेंट टांग नहीं अड़ाती। चार नाम जस्टिफाइड हो गए, यस सर नो सर जल्दी बोल दो। कैपिटल, कैपिटल कौन लगाता है प्राइवेट, कैपिटल कौन लगाता है प्राइवेट, फ्री मार्केट गवर्नमेंट फ्री कर देती है, लाइजर फेरे गवर्नमेंट फ्री। चार नाम याद हो गए, चलो सुन भी लेंगे, मैं भी याद कर रहा हूं देव के साथ। कैपिटल, कैपिटल प्राइवेट, कैपिटल प्राइवेट, फ्री मार्केट गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया, लाइजर फेरे गवर्नमेंट की तरफ से लाइजर फेरे फ्री। नेक्स्ट,
मोहित बेटा सोशलिस्ट, चुप 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 चुप, सोशलिज्म कमांड कंट्रोल्ड सेंट्रली प्लान्ड, सारे नाम लिख दिए, 1 2 3 4 5 याद करियो, कुंदन याद कर, फिर जस्टिफाई कर दो, जल्दी याद कर। सोशलिस्ट पहले वाले के 4 थे ना ध्रुव, इसके 5 है, जल्दी, सोशलिस्ट सोशलिज्म कमांड कंट्रोल प्लान्ड, 5 नाम याद हो गए, फिर जस्टिफाई करूंगा। योगेश, श्रुति बेटा, हो गए, सोशलिस्ट सोशलिज्म कमांड कंट्रोल प्लान्ड, 5 नाम, पहले वाले के 4, इसके 5, चलो डन डन डन। चलो यहां पे सोसाइटी का ध्यान रखते हैं। अब देख मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, सोसाइटी का ध्यान, सोसाइटी का ध्यान, कमांड गवर्नमेंट का, कंट्रोल गवर्नमेंट का, प्लानिंग गवर्नमेंट की, ओके, सोसाइटी सोसाइटी, कमांड गवर्नमेंट का, कंट्रोल गवर्नमेंट का, प्लानिंग गवर्नमेंट की, मिक्स्ड इकोनॉमी का अदर नेम नहीं होता, मिक्स्ड इकोनॉमी का अदर नेम नहीं होता, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है स्टार्टिंग से, ओके, रुक जाइए हर्ष, हर्ष रुक जाइए, मिक्स्ड इकोनॉमी का अदर नेम नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में शुरू से है, सुनिए, इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू जी चाहते थे सोशलिस्ट, बट अडॉप्ट किया मिक्स्ड, ओके, चाहते थे सोशलिस्ट बट अडॉप्ट किया गया मिक्स्ड इकोनॉमी, रुक, मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों होते हैं, योगेश ये गलत होता है, योगेश ये ठीक नहीं बोल रहे, 50% गवर्नमेंट, नहीं सुनो, हां ना का जवाब, इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल दोनों हैं, यस नो, जल्दी क्यों, ठीक कह रहा हूं, इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल, इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट बस प्राइवेट बस, गवर्नमेंट फोन एमटीएनएल बीएसएनएल प्राइवेट फोन जी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी प्राइवेट लाइब्रेरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो ये है मिक्स्ड, ओके जी, ये है मिक्स्ड, मिक्स्ड जी, सोशलिस्ट की शुरुआत करी थी कार्ल मार्क्स, याद करेंगे, सोशलिस्ट का फादर कहा जाता है कार्ल मार्क्स, इनकी बुक का नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स और बुक का नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बेटा कैपिटलिस्ट का कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, ओके, कैपिटलिस्ट का कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, याद हो गया, सोशलिस्ट कार्ल मार्क्स और बुक का, ये बंदे का नाम है और बुक का नाम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, मिक्स्ड का पता अंकल कौन है, चल तुम ही बताओ, मैक्रो वाले कौन थे बताओ, मैं भूल गया, जल्दी आकृति, मैक्रो वाले अंकल कौन थे, ओ जल्दी, ओए होए गलत आंसर, पिटाई करूं वहीं, सही, मैक्रो वाले कौन थे, मैक्रो वाले जॉन मेनार्ड केन्स, मिक्स्ड वाले भी वही हैं, ओके बेटा, हाँ मैक्रो वाले अंकल मिक्स्ड इकोनॉमी वाले अंकल सेम है, जॉन मेनार्ड केन्स, जी इनकी बुक का नाम था, याद करेंगे मानिक, इनकी बुक का नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ, मैंने कैसे याद करा है, ई आई एम, फुल फॉर्म बताता हूं, द जनरल थ्योरी ऑफ ई आई एम,
एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ EIM, फुल फॉर्म याद हो गई, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। चलिए जी रजिस्टर निकाल लेंगे, जल्दी रजिस्टर निकाल लेंगे, आशीष रजिस्टर निकाल लेंगे, अब सुनूंगा भी सब, हां लिखवाऊंगा भी, रेडी सारे रेडी, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू आर रेडी, यस सर, लिखते भी जाएंगे बताते भी जाएंगे। जी पुत्र, अब मैं कंप्लीटली भूल चुका हूं, आपको भूल लूंगा बेटा, चलिए माइक्रो ग्रीक वर्ड बता देंगे, लिखते भी रहेंगे जल्दी। माइक्रो अब बेसिकली टेस्ट मेरा हो रहा है कि मैंने क्या करवाया 1.5 आवर्स में, ओके माइक्रोस, मैक्रो का मैक्रोस, माइक्रो का डिक्शनरी मीनिंग, माइक्रोस का डिक्शनरी मीनिंग, जल्दी जल्दी दे, वेरी गुड स्मॉल, मैक्रो का बेटा लार्ज, रजिस्टर में भी लिख रहे हैं चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं, माइक्रो में स्टडी कैसे करते हैं पूरा मत देखो, ITP समझ आ जाएगा कैसे स्टडी करते हैं इंडिविजुअली। थैंक यू खुशी बेटा, इंडिविजुअली स्टडी, मैक्रो में स्टडी कैसे करते हैं, मैक्रो में, मैक्रो में एज अ होल, सचिन सर ने एज अ होल का एक अदर नेम बताया था, एज अ होल का अदर नेम बताया था जो पेपर में आ सकता है, एग्रीगेट्स, एग्रीगेट नहीं एग्रीगेट्स, एग्रीगेट नहीं एग्रीगेट्स, बता दूंगा एग्रीगेट और एग्रीगेट्स में क्या डिफरेंस होता है बता रहा हूं बेटा, एग्रीगेट्स, थैंक यू। मैक्रो के दो अदर नेम, जल्दी माइक्रो के दो अदर नेम, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, स्नेहा फास्ट आ रही है, हम सब पीछे हो रहे हैं, वेरी गुड योगेश, प्राइस थ्योरी वैल्यू थ्योरी, ओके ते मैक्रो के दो अदर नेम, जल्दी मेरे चीतो मैक्रो के दो अदर नेम, इनकम थ्योरी एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, माइक्रो का फादर जी जी बस बस वेरी गुड निपुर, एडम स्मिथ। अच्छा एक मैं यही वाली बात को जोड़, ये एडम ने चार डेफिनेशन में से कौन सी बताई थी, जल्दी जल्दी जल्दी, ये एडम भाई ने चार में से वेल्थ वेलफेयर चॉइस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जल्दी एडम भाई ने वेल्थ वेलफेयर चॉइस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन सी बताई थी, अच्छा वेल्थ, उसके साथ और कौन था, हाँ, वेल्थ वाली उसके साथ और कौन था, जेबी से, शाबाश मेरे बच्चा, यस यस यस, वेल्थ और साथ में था जेबी से, शाबाश मेरे बच्चा, याद हो गया, वेरी गुड। चलिए और मैक्रो का फादर, जल्दी लक्ष्य, मैक्रो का फादर जॉन मेनार्ड केन्स, जी पर कैपिटा इनकम, MIMA पर कैपिटा इनकम
कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, पुअर पर्सन, जल्दी, पुअर पर्सन एक, पुअर पर्सन एक, पॉवर्टी पूरे देश की, प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म, प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म एक, इंडस्ट्री, नोटबुक में भी लिख रहे हैं, और पर्टिकुलर इंडस्ट्री कहां पे आएगी, पर्टिकुलर इंडस्ट्री कहां पे आएगी, एम आई, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है जी। नेक्स्ट, वो क्या टर्म था, स्टील इंडस्ट्री, थैंक यू। अच्छा वो क्या टर्म था, माइक्रो मैक्रो, क्या था वो, डिपेंड वाला, कंप्लीट वाला, मैं भूल गया, लिखना जरा। और सचिन सर वो स्टेटमेंट भूल गए, माइक्रो मैक्रो ए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ए दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, उसके लिए क्या स्टेटमेंट थी, फिर एग्जांपल भी बताना है, एक बच्चे को डाउट भी था वो दूर भी हो जाएगा, जल्दी मेरे बच्चों, माइक्रो मैक्रो लिख दिया, वेरी गुड वेरी गुड मोहित, शाबाश मेरे चीते, माइक्रो मैक्रो इंटरडिपेंडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, नोटबुक में भी लिख लिया, नाउ एग्जाम्पल, नोटबुक में साथ साथ क्लास का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, लिख लो बेटा लिख लो, स्टूडेंट छोटा, क्लास बड़ा, ऑन योर नोटबुक, क्लास छोटा हो गया, स्कूल बड़ा हो गया, स्कूल स्मॉल, एजुकेशन सिस्टम बड़ा, अब इंडिया छोटा, वर्ल्ड बड़ा, लिख लिया, हिमांशु योगेश डन, दिस एग्जाम्पल ऑन योर रजिस्टर, प्लीज कंफर्म मी फास्ट एंड एक्यूरेटली, डन, रिप्लाई 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 रिप्लाई, अच्छा वो मैंने क्या टर्म बताई थी, हाँ वर्ल्ड से ऊपर तो कुछ है नहीं ना बेटा, वर्ल्ड से ऊपर है नहीं तो वो मैक्रो हुआ हर लेवल में, अच्छा वो मैंने टर्म क्या बताई थी, सुनो सुनो मैं भूल गया, मैं अपने छोटे से कंपैरिजन करता हूं, बड़े से कंपैरिजन करता हूं, उसके लिए क्या टर्म थी, रिलेटिव, यस, मैं अपने छोटे से भी कंपैरिजन कर सकता हूं, बड़े से भी, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव,
रिलेटिव, रिलेटिव नहीं, सुनो सुनो, वेट फिर लिखना। पहले मैं भी मिस्टेक करता था, रुक जाइए हिमांशु जी, पहले मैं भी मिस्टेक करता था, अब नहीं करने दूंगा। स्पेलिंग सेम है, आर ई एल ए टी आई वी ई, हां लेकिन प्रोनंसिएशन से मीनिंग बदल जाएगा। मानिक जी स्पेलिंग वही है, आर ई एल ए टी आई वी, स्पेलिंग वही है लेकिन प्रोनंसिएशन से मीनिंग बदल जाएगा अगर आप बोलते हैं रिलेटिव, रिश्तेदार। ओके मानिक मेरा रिलेटिव है, रिश्तेदार, मासी का लड़का। रिलेटिव कंपैरेटिव, यस और नो जी। पारस रिलेटिव, अंशु रिलेटिव, आकृति रिलेटिव, रिलेशन रिलेटिव, रिलेटिव कंपैरेटिव, आगे से गलती नहीं करोगे। ओके जी, रिलेटिव रिश्तेदार, रिलेटिव कंपैरेटिव, यस सर। तो यहां पे है बात हो रही है कंपैरेटिव की, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव नॉट रिलेटिव। ओके हर्ष भाई, मैं भी लिख लेता हूं, आप भी लिख लो। जिसने रिलेटिव वाला डाउट पूछा था क्लियर हो गया, जिस बच्चे ने रिलेटिव वाला डाउट पूछा था क्लियर हो गया, और ये चार्ट भी क्लियर हो गया इंटरडिपेंडेंस वाला। कनिका बता रहा हूं बेटा, एग्रीगेट एग्रीगेट्स में डिफरेंस। ओके कनिका, मुझे अभी रिमाइंड करवा दियो। ओके पुत्र, चलिए बेटा नेक्स्ट लिख लो बेटा। पॉजिटिव नॉर्मेटिव, पॉजिटिव में क्या सिचुएशन होती है, पॉजिटिव में क्या सिचुएशन होती है, थैंक यू, प्रेजेंट। और नॉर्मेटिव बच्चा ought to be, should be, ought should be, वो किस किस में रिलेशन बताता है, पॉजिटिव वाला किस किस में रिलेशन बताता है, कटरीना में और विकी कौशल में, कटरीना विकी कौशल में किस में, कॉज इफेक्ट। कॉज इफेक्ट रिलेशन, जल्दी करो, सारा फर्स्ट आ गई, सारा फॉर यू बेटा, सारा फॉर यू बेटा। और वो क्या देता है, नॉर्मेटिव वाला क्या प्रोवाइड करता है, सजेशंस, ओपिनियन, वैल्यू जजमेंट। इसमें क्या होते हैं, फैक्ट या अजम्पशन, क्या होते हैं बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, फैक्ट एक्चुअल, इसको प्रूव कर सकते हैं, अजम्पशंस। देखो ना, अब एक मिनट, ये एग्जांपल लिख सकते हो, सुनो ये एग्जांपल लिख सकते हो, याद रहेगा, रिकॉल करने में आसानी होगी। सुनो आप ये तो लिख लिया, हिमांशु आपकी बात बता रहा हूं मैं,
हिमांशु, मैं आपकी बात बता रहा हूं, हिमांशु हिमांशु कहाँ गया, हिमांशु हिमांशु प्रकटो, नहीं दे रहा परमिशन, हम तो फ्री बता रहे हैं जी। हिमांशु जी, अभी आपकी जिस पड़ोसन से बातचीत है, सुनो, इतने सारे हिमांशु आ गए, हिमांशु जी आपके जिस पड़ोसन से भी बातचीत है वो है पॉजिटिव, ओके, और जिसको तुमने मान रखा है, मान रखा है, मान रखा है, वो ये तुम्हारी ये है, ठीक है बेटा। जिस पड़ोसन तुम्हारी भी बातचीत है ये एक्चुअल, ठीक है, और जो तुम चाहते हो वो ही ये, ओके, इट कुड बी रॉन्ग, क्यों हिमांशु ठीक बोल रहा हूं, इट कुड बी रॉन्ग जी, समझ गए जी। वेल्थ के इकोनॉमिस्ट, जल्दी श्रेयांश, जल्दी दिवांशु फर्स्ट आ गया, क्या कर रहे हो गंदे बच्चों, क्या करवाए इतनी देर में लर्न। यस एडम स्मिथ, जेबी से, वेल्थ इकोनॉमिक्स, वेलफेयर का अदर नेम। सुन के सुन के सुन के सुन के आंचल बुत्तर, मैंने क्या पूछा, हाँ अदर नेम, अगर वेलफेयर के नाम से ना आए तो किस नाम से आएगा, थैंक यू ध्रुव, वेल बीइंग। वेलफेयर के नाम से आएगी डेफिनेशन या वेल बीइंग। चलो अब अंकल के नाम लिख दो फटाफट, कनिका बेटा, वेलफेयर डेफिनेशन, वेल बीइंग डेफिनेशन, एक मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगो, चॉइस मेकिंग वाले का नाम। मेरी स्पीड स्लो है, आपकी नहीं, चॉइस मेकिंग सेंट्रल प्रॉब्लम, चॉइस मेकिंग बोले। एक मिनट, सेंट्रल प्रॉब्लम बोले, अच्छा कौन इसका नाम, मैंने और क्या बताया था, नहीं चॉइस मेकिंग सेंट्रल प्रॉब्लम, ये कौन सी डेफिनेशन है, साइंस वाली, क्या था, आर्ट वाली, प्रोफेशन वाली, क्या था वो चॉइस मेकिंग सेंट्रल प्रॉब्लम, कौन सी, प्रोफेशन वाली, एम्प्लॉयमेंट वाली, साइंटिफिक लॉजिकल, अमंग फोर डेफिनेशन, थैंक यू। अब नाम लिख लेते हैं, लाइनल, एल आई ओ एन एल रॉबिन्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के तीन, जल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के तीन, जल्दी 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 जल्दी, आगे भी गेम खेलनी है बेटा। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरा नाम मत लिखो, पॉल ए सैमुअलसन, पॉल ए सैमुअलसन, हेनरी स्मिथ, जैकब वाइनर, नेक्स्ट, इसका मतलब क्या बताया था, इकोनॉमिक
का मतलब क्या बताता है? कंट्री। इकोनॉमिक का मतलब क्या बताता है बेटा? मनी रिलेटेड। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बेटा इकोनॉमिक्स। और बच्चे चीपर, चीपर इकोनॉमिकल। कंट्री, कंट्री इकोनॉमी। दिवांशु बता रहा हूं बेटा, दिवांशु आ रहा बच्चा। इकोनॉमी तीन तरह की थी, जल्दी बताएंगे, जल लक्ष्य। इकोनॉमी तीन तरह की थी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट कंट्री में एफओपी किसके पास होते हैं? जल्दी, कैपिटलिस्ट कंट्री में एफओपी किसके पास होते हैं? प्राइवेट, प्राइवेट ओनरशिप ओवर लैंड, लेबर, कैपिटल ओनर, मैक्सिमम, नॉट ऑल, प्राइवेट ओनरशिप एफओपी। गवर्नमेंट के में, गवर्नमेंट के पास एफओपी इन विच कंट्री? गवर्नमेंट के पास एफओपी इन विच कंट्री? सोशलिस्ट। मैंने एग्जांपल नहीं पूछा बेटा, हेडिंग पूछी है, ठीक है बेटा? सोशलिस्ट, गवर्नमेंट के पास लैंड, लेबर। दोनों के पास मिक्स्ड, उसके लिए वर्ड होगा को एग्जिस्टेंस। क्या वर्ड होगा हिमांशु बेटा? को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक प्राइवेट। पब्लिक अलग काम कर रहा है, प्राइवेट अलग काम कर रहा है। ओके, ठीक है बेटा, मिक्स्ड, को एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट अलग, प्राइवेट अलग, करो कंपटीशन। योगेश वेट वेट, जी कैपिटलिस्ट प्लीज बताना, कैपिटलिस्ट का कोई इकोनॉमिस्ट या कोई बुक थी? जल्दी, कैपिटलिस्ट की कोई बुक, कोई इकोनॉमिस्ट? नो, कोई स्पेसिफिक बुक ओरिजिन की, कोई स्पेशलिस्ट इकोनॉमिस्ट इसके ओरिजिन का?
सोशलिस्ट का अंकल, जल्दी सोशलिस्ट का अंकल कार्ल मार्क्स। और बुक का नाम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मिक्स का अंकल, जल्दी श्रेयांश, मिक्स का अंकल बेटा केन्स। बुक का नाम, बुक का नाम वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। द जनरल थ्योरी ऑफ EIM। एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। EIM, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। आज की लास्ट लाइन पूछता हूं, क्या आपको ध्यान है फर्स्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास ऑफ आर सेशन, मैक्रो जो बनाई, मैक्रो बनाई केन्स ने इन विच ईयर, जल्दी सोच के बताओ मैक्रो बताई थी फर्स्ट क्लास जो हमारे सेशन की थी, मैक्रो इन विच ईयर 1929। ये बुक भी तभी आई थी, ओके बेटा 29 में जो मैक्रो बनी इसी बुक में से बनी थी 29। ओके जी, तो सुनिए माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मैक्रो पॉजिटिव नॉर्मेटिव, चार इकोनॉमिक्स और सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट की अदर नेम, एक मिनट, अच्छा अदर नेम तो अभी पूछने हैं, अदर नेम तो अभी रहते हैं पूछने हैं, लर्न तो करवाए थे बस लिखने बाकी हैं। दिवांशु याद है बेटा इसके तीन अदर नेम लिख देंगे फटाफट, जल्दी 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 इसके तीन अदर नेम्स, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, जल्दी जल्दी, थैंक यू। हाँ बेटा बुक 29 की है बेटा, 29 में बुक आई तभी मैक्रो बनी, ओके तभी मिक्स का कंसेप्ट भी तभी आया था, कैपिटलिस्ट कैपिटलिज्म फ्री मार्केट लाइजस फेयरी। लाइजस फेरे, अच्छा लाइजस फेरे कौन सा वर्ड है, स्पेनिश संस्कृत बताया था, लाइजस फेरे स्पेनिश वर्ड है फ्रेंच वर्ड है, थैंक यू। सोशलिस्ट अदर नेम, सचिन सर वेट कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, सोशलिस्ट
एक बार आना जरा, एक मिनट हेल्प के लिए आएंगे। हेलो जी, तरुण जी, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, आएंगे। सोशलिस्ट सोशलिज्म और अदर नेम्स, जल्दी सोशलिस्ट सोशलिज्म। कंट्रोल्ड कमांड प्लैंड, सोशलिस्ट सोशलिज्म, कंट्रोल कमांड प्लैंड, मिक्स का अदर नेम नहीं होता। ओके बेटा, मिक्स्ड का अदर नेम नहीं होता। मिक्स्ड इकोनॉमी लिख लेते हैं, नो अदर नेम। लास्ट पार्ट बिल्कुल कनिका, बता रहा हूं बच्चा, बता रहा हूं। बेटा इन्फ्लेशन, निपुर सुनो, जब चीजें महंगी होती इन्फ्लेशन सस्ती डिफ्लेशन, उनको कंबाइंड वे में बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। ओके निपुर, चीजें महंगी इन्फ्लेशन सस्ती डिफ्लेशन, कंबाइंड फिनोमिना इज कॉल्ड जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, एग्रीगेट एग्रीगेट्स बता के जाऊंगा, टेंशन नहीं जी, पक्का बता के जाऊंगा बेटा। हाँ बस हो गए, फ्री हो गए बेटा। ए जे ब्राउन, इकॉनमी लिख लो बेटा। इकॉनमी इज अ सिस्टम बाय विच, नहीं बेटा ब्राउन ही नहीं, ब्राउन पता तुमको भूख लग रही है, ब्राउन ही याद आ गई, ब्राउन है। ठीक है, ब्राउन ही बताओ यार, मेरे को भी भूख लगा दी तुमने। ए जे ब्राउन, ब्राउनी, गंदे बच्चे, शैतान बच्चे। इकॉनमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। इनकम, रोजी रोटी कमाते हैं। अच्छा, ये जो इकोनॉमी है इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव कॉन्सेप्ट है? कलेक्टिव कॉन्सेप्ट। जी तो प्यारे शतानों, आज का सेशन वाइंड अप। ओके बेटा, आज का सेशन वाइंड अप, परसों मिलेंगे सेम टाइम। और मैंने अभी अनाउंस कर दिया है, इस संडे टेस्ट है आपका मैथमेटिक्स का, नेक्स्ट संडे टेस्ट है आपका इकोनॉमिक्स का, डिमांड चैप्टर का। राइट, बाय बाय बेटा। ये कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स, ये इकोनॉमी के पार्ट है। ओके बेटा, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स, ये किसके पार्ट है? इकोनॉमी के। ओके बेटा।
अभी सिर्फ थ्योरी करवाई है बेटा, थ्योरी करवाई है, थ्योरी करवाई है डिमांड में। बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट रह गया है तो मुझे व्हाट्सएप करना या नेक्स्ट क्लास में याद करवा देना। ओके बेटा, इन केस कोई डाउट रहता है व्हाट्सएप में या नेक्स्ट क्लास में याद करवा देना। ठीक है बच्चे, बाय बेटा।